इसको हाई कोर्ट ने माना कि ये कानून में इमीडिएट गलत है। जो भी डाटा आप कलेक्ट किए हैं उसको प्रोटेक्ट रखिए। आप जो राइट ऑफ प्राइवेसी है उसका उल्लंघन कर रहे हैं, जाति धर्म आय मांगकर प्रोसेस अडॉप्ट किया बिहार सरकार, वो असंवैधानिक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन और मैं हूं आपके साथ अंजलि तिवारी। बिहार में जातीय जनगणना का दूसरा चरण चल रहा था। दूसरा चरण 13 अप्रैल से शुरू किया गया था। हालांकि बिहार में जातीय जनगणना को सक्सेसफुल करने के लिए बिहार सरकार ने कई हथकंडे अपनाए। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जाति का कोड बनाया गया, सरकारी स्कूल के टीचरों को भी जातीय जनगणना में शामिल किया गया। लेकिन अब फिलहाल की खबर है कि हाईकोर्ट ने जातीय जनगणना पर स्टे लगा दिया है। कल ही बहस हुई थी कि राज्य सरकार को ये राइट्स नहीं है कि वो जातीय जनगणना कर सके, लेकिन जातीय जनगणना पर हाईकोर्ट ने आज स्टे लगा दिया है। कहा जा रहा है कि 3 जुलाई को पुनःता फिर से बहस होगी, उसके बाद हाईकोर्ट से क्या कुछ निकल के सामने आएगा ये तो देखने वाली चीज है। लेकिन ये भी आशंका जताया जा रहा है कि जिस सोच के साथ नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने जातीय जनगणना का शुरुआत किया था, उस सोच पर भी पानी फिर गया है। वो सोच अब उनका सक्सेस नहीं हो पाएगा क्योंकि हाईकोर्ट ने उस पर स्टे कर दिया है, अब जातीय जनगणना नहीं हो सकता है। लेकिन हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि जो जातीय जनगणना अब तक किया गया है, जो भी डेटा आपके पास मौजूद है, आप उसे सेव करके रख सकते हैं, लेकिन जातीय जनगणना का अभी कार्यक्रम आप आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। फिलहाल के लिए हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है। जरा सुनिए हाईकोर्ट की याचिका दर्ज किए हुए टीनू सिंह ने क्या कुछ कहा है। माननीय हाईकोर्ट ने लोकहित याचिका पर सुनाई कर अंतिम जो फैसला दिए हैं, एंट्री ऑर्डर दिए हैं कि ऑन गोइंग कास्ट बेस सर्वे प्रोसीडिंग जो है उसको तुरंत कार्रवाई करके रोक लगाया जाए और इसकी सुनवाई, फाइनल सुनवाई 3/7/23 को मुकर्रर की गई है। तो अभी जो है अब गन्ना पर रोक लग गई, अब नहीं होगा। इतना ही नहीं, हाईकोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि इस बीच में कास्ट बेस सेंसस में जो भी डाटा आप कलेक्ट किए हैं उसको प्रोटेक्ट रखिए, उसको लीकेज नहीं होना चाहिए। हम लोग का जो पॉइंट था कि आप जो राइट ऑफ प्राइवेसी है उसका उल्लंघन कर रहे हैं, जाति धर्म आय मांगकर, उसको माननीय उच्च न्यायालय एंट्री ऑर्डर में इसको समझा कि नहीं, जो प्रोसेस अडॉप्ट किया बिहार सरकार वो असंवैधानिक है। इतना ही नहीं, हम लोग का जो पॉइंट था कि बगैर कोई स्टैट्यूट के, बगैर रूल रेगुलेशन के और ये संविधान के विरुद्ध जाके जो ये सरकारी नियम जो लाए थे कि हम कास्ट में सर्वे करेंगे, तो इसको हाईकोर्ट ने माना कि ये कानून में इमीडिएट गलत है, इसलिए हम लोग को एंट्री में स्टे मिला है। अच्छा जी, एक सवाल ये है कि आपने जो कहा था कि 500 करोड़ का जो इस्तेमाल किया गया है सरकार की तरफ से, वो हम लोग का ही कहना था कि आप बिहार सरकार जानते थे कि जो कंटेंसी फंड का जो पैसा है वो आपको जनरल खर्च नहीं कर सकते हैं, ये अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर नहीं है, इसलिए जो पॉलिसी सरकार का था कि कास्ट बेस सर्वे में हम 500 करोड़ रुपये खर्चा करेंगे, वो गरीबों का पैसा का एक तरह से मिसयूज होता, इसलिए इस बात को हाईकोर्ट मेरे समझ से उचित समझा कि ये निर्णय जो है आपका, जो पॉलिसी लिए हैं उस संविधान के विपरीत, स्टैट्यूट के विपरीत, सेंसस एक्ट 1948 के विपरीत है, इसलिए हम लोग को लगता है कि एंट्री हमें से मिला है। फाइनल 3/7/22 को सुनवाई होगी। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि एडवोकेट टीनू सिंह ने क्या कुछ कहा, उन्होंने कहा कि 3 जुलाई को पुनःता फिर से बहस होगा, उसके बाद हाईकोर्ट का जो भी फैसला आएगा राज्य सरकार उसके बाद अपना काम कर सकती है। धन्यवाद, ऐसे तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ।